हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल गुड वी हैड ऑलरेडी डिस्कसड फर्स्ट टू यूनिट्स ऑफ सोशल टूडे वी आर गोइंग टू बिगिन इट्स थर्ड यूनिट दैट इज इज्रैटिकेशन एंड सोसाइटी इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन इन एग्रेनियन सोसाइटी लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो दैट जो एग्रेनियन सोशल स्ट्रक्चर हैं वो असल में हैं क्या अगर हम वर्ड एग्रेनियन की डिक्शनरी मीनिंग की बात करें इसका मतलब है एनी जो कि रिलेट करता है विद द मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड डिवीजन ऑफ लैंड दस जो एग्रेनियन सोशल स्ट्रक्चर हैं ये एक पोलिटिकल मूवमेंट है या चेंज हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड जिसे हम एग्रेनिज़म कहते हैं वायल जो एग्रेनियन मूवमेंट्स हैं ये स्टार्ट हुई इन सम एशियन कंट्रीज जो कि मेनली अबाउट थी ओनरशिप ओनरशिप ऑफ वुमेन ऑन लैंड जो एम्बेटल हैं वो डिफ़ाइन करते हैं एग्रीनियन सोसाइटी को जो कि नॉट ऑनली एग्जिस्ट करती है अमंग द पीजेंट्स बट वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो मीनिंग है फ्रेज़ एग्रीनियन सिस्टम का ये खाली स्पेसिफिक नहीं है अबाउट द स्टडी ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़ और कल्चर्स जिसमें जो बेटाइल हैं वो कहते हैं कि जो पीजेंट्री हैं ये इसके बहुत सारे मीनिंग्स हमें देखने को मिलते हैं बट मीनिंगफुल अगर हम इसको डिस्क्राइब करें जो कि एग्जस्ट एग्जिस्ट करता है इन सम कम्यूनिटीज़ जो कि होल्ड करते हैं स्मॉल लैंड को और जो कि लैंड को ऑपरेट करते हैं थ्रू फैमिली लेबर सो so, बहुत सारे सोशालोजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इकोनॉमिकस्ट्स ब्रॉडर व्यू देते हैं फर्स्ट वो कहते हैं कि जो एग्रीनियम सिस्टम है ये रिलेट करता है विद लैंड और उसकी यूटिलाइजेशन से सेकेंड वो कहते हैं कि जो प्रोडक्टिव परपजेज़ हैं जिसमें जो बैटेली हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो एग्रीनियन सिस्टम है ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लैंड और इसकी यूटिलाइजेशन के लिए फॉर प्रोडक्टिव परपज मेनली जो एग्रीनियन सिस्टम है ये लैंड बेस्ड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है बेटाइल जो है वो अगेन आ, कहते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ लैंड हैं इंडिया में और जो स्टडी हैं एग्रीनियन सोशल स्ट्रक्चर की ये रिवॉ करती हैं ऑन द टू इश्यूज फर्स्ट वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट सेकेंड वो कहते हैं सोशल अरेंजमेंट्स या यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स हैं इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग ओनरशिप कंट्रोल एंड यूज़ ऑफ लैंड और जो मेनली uh, इसमें हम इंक्लूड करते हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस, इन अदर वर्ड्स में हम कहेंगे कि लैंड जिसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी लोकेशन सराउंडिंग्स ऑफ इट सो जो डाइवर्स नेचर हैं इकोलॉजिकल कंडीशन का जो कि एग्जिस्ट करता है इन इंडिया आल्सो, सो जो डाइवर्स नेचर है इकोलॉजिकल कंडीशन का इसको डिस्क्राइब किया है बेटाइल ने एज़ फर्स्ट वो कहते हैं दोज एरियाज़ जहाँ पे आ, हाई रेनफॉल आकर होता, होता है और वो एरियाज जहाँ पे रिलेटिवली लो रेनफॉल आकर होता है सेकेंड वो कहते हैं इरिगेटेड और अन एरियाज बिसाइड्स जो रीजनस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है ड्यूरेशनल दूरे, और आ, सीजनल वेरिएशंस इन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड सनलाइट सो ये जो फैक्टर्स हैं ये रे, रेस्पॉन्सबल हैं ऑल काइंडस ऑफ ऑल काइंडस ऑफ क्रॉपस जो भी वहाँ पर कल्टिवेट किए जाएंगे पर्टिकुलरली uh, uh, जो टेक्नोलॉजी हैं इसको हम यूज़ करते हैं यूज़ uh, करते हैं इन कल्टिवेशन परपजेज़ दस हम टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स में इंक्लूड करते हैं इकोलॉजिकल कंडीशन को लाइक न्यू एग्रीकलचर टेक्नोलॉजी एज वाटर पंप्स थ्रेशर्स केमिकल नेचर केमिकल कैमिकल मैन्यम्प्रूव सीड्स एट्सट्रा अनदर आस्पेक्ट जो है ग्रेनियन सिस्टम का वो है सोशल मैनेजमेंट ऑन लैंड कंट्रोल लैंड ओनरशिप जो कि हमें इंडियन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है और स्टेटफाइड सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ वर्क और स्टेटफिकेशन सिस्टम बिटवीन देम जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती है इनके दरमियान वो बहुत ही क्लोज़ हैं फॉर इंस्टेंस थ्रू सेंस से हम फिगर आउट करते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा है जो प्रपोर्शन ऑफ़ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स हैं वहाँ पे उनका लो देखने को मिलता है नंबर सिमिलरली जो उनका नंबर है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में वो हमें हाई देखने को मिलता है <coughs> इसी तरह जो <coughs> के एल कृष्णा है वो डिस्कस करता है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीनियन स्ट्रेटिफिकेशन को वो बिलीव करता है कि जो एग्रीनियन स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में ये अनिकवली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सो ये जो अन एकवल और अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स का इसे हमें डाइवर्स लैंड टेनवर सिस्टम का कंसेप्ट देखने को मिलता है जो कि अफेक्ट करता है सोशल स्ट्रक्चर्स uh, को वो लिखते हैं कि जो भी वेरिएशन और गैप हमें देखने को मिलती मिलती हैं बिटवीन लैंड डेलीवर सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर में ये क्रिएट करता है एक अनइवन ईवन फ्यूडल ऑर्डर जो कि हमें आल्सो देखने को मिला ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड और इसकी जो फ्यूडल हैं इसकी जो शेड हैं फ्यूडल और कॉलोनियल अनिकवालिटी की वो स्टिल हमें विजिबल देखने को मिलती है अमंग द वेरियस सोशल आस्पेक्ट्स सो so, जो सोशालोजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिट्स हैं वो स्टडी करते हैं ग्रेनियन सिस्टम को जिसमें वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं ऑन द चेंज इन टर्म्स ऑफ लैंड रिलेशनशिप्स और देयर इफेक्ट इन द स्ट्रेटिफिकेशन पैटर्न दस जो क्रूशल आस्पेक्ट है एग्रीनियन स्ट्रक्चर का वो ये है कि कंट्रोल ओवर ऑन लैंड जो ये एक्ट करता है एज अ बेसिस ऑफ एग्रीनियन सोसाइटी सो जब हम डिस्कस करते हैं एग्रीनियन सिस्टम को कंटिनसली हम इसको रेफ़र करते हैं एज ए लैंड ओनरशिप लैंड कंट्रोल और लैंड यूज सो so, ये जो अप्रोच है ये हमें हेल्प करता है आ, फाइंड आउट करने में एक अग्रीन हयात की सो so, जो एग्रेन हयात की हैं इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेट कास्टर्स होते हैं वो कंट्रोल उनका कंट्रोल होता है ओवर देयर मेजर पोर्शन ऑफ लैंड और वो सप्रेस और एक्सपायट करते हैं वर्किंग और सब सबॉर्डीनेट क्लासेस को सैड इज दो ऑलिवर एंड मेडलसन है और मरीका ऑल मेंडेलसन एंड मरीका हैं वो कहते हैं कि आ, वो डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ रूरल लैंड रिफॉर्म का एमंग अनडेचबिलिटीज जिसमें वो कहते हैं कि जो अनडेचबिलिटीज और सबॉर्डिनेट क्लास हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं हो, हो, हो होता है फिर होता है फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स वो जो प्रेजेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है फेलियर ऑफ लैंड रिफार्मस सो so, जो आथर्स हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कंट्रोल हैं ओवर लैंड और उसके आ, जो बेसिस हैं एग्रेन हायर आर्की की लाइक डोमिनेट और सबार्डिनेट कला सो ये जो लैंड रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं इससे हमें लिबरेशन देखने को मिलती है इन क्लासेस की वजह से इन डोमिनेट क्लासेस की वजह से और सबार्डिनेट क्लासेस की वजह से हमें लिबरेशन देखने को मिलती है अमंग द दबार्डिनेट और अनबलिटीज़ फ्राम दियर ऑर्बिटरी रूल एट जो अनदर आस्पेक्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो है कल्टिवेशन पैटर्न जो कि अडाप्ट करते हैं बाई पीजेंट्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल्टिवेटर्स चाहते हैं कल्टिवेट करना वो क्रॉपस जिनके लिए हार्ड और मोर लेबर की ज़रूरत चाह, मतलब चाहिए सो so, ये डिपेंड करता है ऑन द कल्टिवेशन पैटर्न सिमिलरली अगर हम बात करें बहुत सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक पंजाब और बिहार जहाँ पे पैड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है सो लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स जो होते हैं वो ऑन uh, uh, करते हैं वहाँ पे अपनी जॉब को काम पाते हैं वहाँ पे इवन लैंडलेस लेबर आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम बिहार टू पंजाब फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पेडी ऑन टेनवर सिस्टम सो देर फॉर जो एग्रेनियन हायरकी है ये बेस है क्रॉप कल्टिवेशन ऑफ बीजन पे एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कसड जो बैटाइल हैं वो कहते हैं कि जो रूरल स्ट्रेटिफिकेसन पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ लैंड कंट्रोल मैनेजमेंट ड्यू टू विच वो मैंशन करता है कि थ्री मेन पैटर्न फर्स्ट वो uh, कहता है कि एक पैटर्न बेसड अपॉन होता है फैमिली और दूसरा फैमिली लेबर पे और दूसरा जो पैटर्न है वो बेसड अपॉन होता है हायर लेबर पे यानी उसमें हमें आउटसाइड लेबर लाने पड़ते हैं काम करने के लिए थर्ड जो है वो है कंट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑफ लैंड सो ये जो थ्री पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन है आ, इसके सिवरऑल आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो प्रोडक्शन है इसके लिए जिनके लिए हार्ड मैनुअल और लेबर की ज़रूरत है दैट टाइम जो पैटर्न है प्रोडक्शन का वो चेंज हमें देखने को मिलता है मिल सकता है सो so, जो बेटाइल हैं वो कैटेगराइज करते हैं पीज एंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रोडक्शन सिस्टम वो आल्सो ऑब्जर्व करता है कि जो प्रोडक्शन है ये बेसड ऑफ है फैमिली लेबर वेज लेबर लैंड लॉर्डस कल्टिवेट ऑनर स्टैंड शेयर क्रॉपर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स ये जो है, कैटेगरीज हैं ये एक्ट करती हैं एज ए ड्राइव फोर्स फॉर द एग्रेनियन हर चूँकि क्रूशल फीचर्स हैं एक इंडियन रूलर सिस्टम के जिसमें जो मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम है रूलर एग्रज़म सिस्टम की जिसकी वजह से हमें रूलर हर देखने को मिलती है और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उन पर कोई भी टैक्स इंपोज़ नहीं किया जाता है फॉर देयर प्रोडक्शन एज ए रिज़ल्ट Uh, जो भी कंट्रोल करते हैं ओवर ऑन द लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड वो गेनिफ, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करते हैं दस जो रूलर एग्रेनियन हायर आर की हैं ये ज़्यादा कम्प्लिकेट uh, हमें देखने को मिलती है डेज और जो कैपिटलिस्ट और कलोनियल लैंड पॉलिसीज़ हैं uh, जिनको हम स्टिल यूज़ करते हैं डेज इन स्टेट ऑफ इन स्टेट टू मिनिमाइज द स्टेटस बिटवीन द फार्मर एंड लैंडस लेबर सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सोशल इक्वलिटी हैं जिसको हम ट्रेस करते हैं थ्रू द लैंड पॉलिसीज़ और जिनको हम अडाप्ट करते हैं बाई कलोनील रूलर्स या करते आए बाई कलोनियल रूलर्स लेटर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स के थ्रू सो so ये आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसप्लिन डार्क चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग